प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। पूर्णिया में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में आग लग गई। इस घटना में एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए। घटना के फौरन बाद स्थानीय लोगों की मदद से अगलगी में झुलसे लोगों को इलाज के लिए GMCH पूर्णिया में एडमिट कराया गया है, जिसमें से दो गंभीर रूप से जबकि दो मामूली रूप से झुलस गए। घटना शहर के सदर थाना क्षेत्र के रामबाग नया टोला गुमटी नंबर 3 की है। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए। इनमें सुरेश पासवान के बेटे शंकर पासवान का हाथ, बड़े बेटे बादल कुमार का चेहरा और हाथ, बेटे आकाश कुमार का पैर और चेहरा, बेटी रिमझिम कुमारी का चेहरा और हाथ आग की चपेट में आने से झुलस गया। घटना की जानकारी देते हुए अगलगी में घायल शंकर पासवान ने बताया कि किचन में खाना बन रहा था, पत्नी के बजाय खाना उनकी बेटी रिमझिम बना रही थी। किचन में उनके दो बेटे भी साथ मिलकर खाना बना रहे थे। इसी दौरान किचन का गैस लीक होने की वजह से लाइटर जलाते ही किचन में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई। बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनकर वे किचन में दौड़े तो गैस सिलेंडर से आग की लपटें उठ रही थी। इतने में पड़ोसी घर में जुट गए, जिसके बाद ग्रामीणों के आपसी सहयोग से गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाया गया। आग में झुलसे लोगों को आनन फानन में GMCH पूर्णिया में एडमिट कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि घायल शंकर पासवान सदर थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में स्थित MIT से लगे गैस एजेंसी में बतौर कर्मी काम करते हैं। बगल के कमरे में करीब 15 सिलेंडर रखा था, इनमें से दो सिलेंडर लीक हो रहे थे। अगर गैस की लपटें किचन से फैलकर कमरे में पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी। घटना की जानकारी देते हुए सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं दूसरी घटना उसी GMCH से सामने आई है, जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। GMCH में छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले सातीर युवक को लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। सातीर आदमी इलाज कराने आने वाले मरीज के भोले वाले परिजनों को अपनी जाल में फंसा कर छिनतई की घटनाओं को अंजाम देता था। आज जैसे ही वो वारदात को अंजाम देने पहुंचा, पीड़ित किशोर की नज़र उसके ऊपर पड़ी, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद लोगों ने साथी युवक को धर दबोचा। GMCH में घुसकर छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले युवक की पहचान पोठिया के रहने वाले मुरारी सिंह के बेटे मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित किशोर ललन कुमार ने बताया कि बीते 16 दिसंबर को 400 रुपये में चावल का बोरा दिलाने के नाम पर ये युवक उसे GMCH मेन गेट के बाहर ले गया। इसके बाद चावल का बोरा दिलाने के नाम पर 1600 रुपये की छिनतई कर ली और भाग निकला। इसके बाद से ही वे और उनके परिजन इस युवक की तलाश कर रहे थे। वहीं पीड़ित उमर फारूकी ने बताया कि उनके पिता पिछले एक महीने से GMCH में एडमिट हैं, इसे लेकर उनका आना जाना लगा रहता है। इस दौरान 10 से भी अधिक लोगों ने इसी तरह की छिनतई की घटना घटित होने की शिकायत की। इससे पहले एक बुजुर्ग से भी कैश की छिनतई की गई, जबकि महिला का पर्स छीनकर फरार हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।